नागपुर महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी है। राज्य में 5 स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे, जिसके लिए मतगणना शुरू हो चुकी है, जिसमें सुधाकर आड़वाले ने कहा कि जीत का परचम हम ही लहराएंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है सुधाकर आड़वाले से। आइए जानते हैं क्या कहा है आड़वाले ने। शिक्षण निर्वाचक के चुनाव जो है हाल ही में संपन्न हुए, आज उसकी जो है मतगणना शुरू है। हमारे साथ जो है प्रत्याशी आड़वाले जी है, हमारे साथ है। क्या कहना चाहोगे, आज जो है यहाँ पे वोटिंग जो है काउंटिंग शुरू है, क्या बताओ? 30 तारीख को जो चुनाव हुआ उसमें काउंटिंग के लिए 8 बजे से स्टार्ट हो गया है, और मैंने 28 बूथ पे काउंटिंग वहाँ पे चल रही है, और 28 बूथ पर ऑब्जर्वेशन करने के बाद में मेरी मतपत्रिका ज़्यादा दिख रही है। मेरे बॉक्स में मतपत्रिका ज़्यादा संख्या में जमा हो गई है, इसका मतलब यह है कि मैं पहले पसंदी में चुन के आऊँगा। बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि मत जो है मेरे ज़्यादा दिख रहे, वोटिंग जो है आपकी ज़्यादा दिख रही है और आप चुन के आओगे, क्या ये दावा आप आखिर तक ऐसा ही बरकरार रखोगे? मतलब क्योंकि ये जो काउंटिंग हो रही है 6 जिले की सब बूथ की मतपत्रिका इकट्ठा करके मिक्सिंग करके ये काउंटिंग प्रोसेस चालू हो गई है, इसका मतलब यह है कि एक जगह एक बूथ की वो मतपत्रिका नहीं है, अलग अलग बूथ की मतपत्रिका वहाँ पे रखी गई है और मिक्सिंग करके काउंटिंग चालू है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो मैंने आघाड़ी ली है वो आखिरी तक कायम रहेगी और पहले पसंदी में ही मैं चुन के आऊँगा। बिल्कुल, जिस तरह से इस साल के चुनाव जो हुए थे नागपुर संभाग के लिए हमने देखा कि बहुत ही टफ ये फाइट रही थी, तो क्या उसे देखते हुए आपको लगता है कि आपको फर्स्ट आपकी चॉइस रहेगी? ये जो मतदान के कल आ रहे हैं इसके हिसाब से मैं देख रहा कोई भी टफ कंपटीशन नहीं है, वन साइड इलेक्शन हो रहा है, और मतदारों ने 12 साल में जो विद्यमान प्रतिनिधि है उनके पक्ष की भूमिका है कि ये राज्य के कर्मचारियों को हम पुरानी पेंशन नहीं दे सकते, और उनका समर्थन विद्यमान प्रतिनिधि ने लिया है, उनके ऊपर नाराजी है। वो बोलते हैं कि मैं रिटायर्ड होने के बाद मेरी पेंशन नहीं लूँगा, मगर आज लोगों को पेंशन न लेने वाला नहीं तो पेंशन दिलाने वाले उम्मीदवार की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि पेंशन के मुद्दे के लेके सभी इस इलेक्शन में मतलब लड़े हैं, वही मुद्दा सबका था, तो क्या लगता है सच में अगर आप चुन के आते हैं तो ये हल होगा मुद्दा जो 12 सालों से नहीं हो पाया? सब जो इसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं, मगर महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन है उसका पुरस्कृत मैं उम्मीदवार हूँ, इसका मतलब 12 साल में विद्यमान प्रतिनिधि कुछ नहीं किया, इसलिए हम इनकी मांग के लिए रास्ते पर की लड़ाई लड़ रहे थे, और ये सब लोग मेरे साथ में होने की वजह से मैं ये चुनाव जीतूँगा। तो हमारे साथ जो है सुधाकर आड़वाले थे और उन्होंने यही बताया है कि मैं जो है मुझे फर्स्ट चॉइस जो है मतदारों द्वारा दी गई है और मैं ही जीत कर आऊँगा, वन साइड ये इलेक्शन हुआ है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।